गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराने जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने बता दिया है सिलेबस फर्स्ट टर्म का। अगस्त फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपका सिलेबस है साहित्य सागर से 2 चैप्टर, गद्य से और 2 चैप्टर पद्य से, मीन्स स्टोरी से 2 चैप्टर फर्स्ट सेकेंड, और पोएम से 2 चैप्टर फर्स्ट सेकेंड, और एकांकी संचय में पहला चैप्टर सिर्फ। ठीक है, तो आज हम आपको औपचारिक पत्र फिर से बता रहे हैं। औपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं, जो कार्यालयी पत्र होता है, यानी ऑफिशियल पत्र होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आप बिजली विभाग को लिख रहे हैं कि आपकी परीक्षा है और बहुत अधिक बिजली कट रही है, तो आप किसको लिखेंगे? बिजली विभाग को लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके कॉपी में एक मार्जिन होता है, तो आप शुरू करोगे यहाँ से अपना पता। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, एक नंबर में अपना पता। अपना पता आप जहाँ भी रहते हो, मान लो चकला कॉमा और मांझी, 2 या 3 लाइन से अधिक में अपना पता नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चकला और मांझी। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, और आपको क्या लिखना है, दिनांक। दिनांक मीन्स डेट। आपको क्या लिखना है, दिनांक। पहले अपना पता 2 या 3 लाइन, उससे अधिक नहीं, एक लाइन छोड़ोगे, फिर क्या लिखोगे, दिनांक। दिनांक आज कितना तारीख है, आज है 8 जुलाई, तो इसमें लिखोगे 8 जुलाई 2020। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा में अब हमको जिसको पत्र लिखना है उसका एड्रेस लिखना है। तो हम किसको पत्र लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं। पत्र हम किसको लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले सेवा में, ठीक है, कॉमा, सेवा में के बाद कॉमा, बिजली विभागाध्यक्ष, यानी बिजली विभाग के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष कॉमा इरबा और मांझी रांची, यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहो तो अगर ज़्यादा क्लियर लिखना चाहते हो तो इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो इस लाइन में भी आप लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, विषय। अधिक बिजली काटने के संबंध में, ठीक है। अब ये हो गया 1, 2, 3। अब आपको मेन लिखना है, तो सबसे पहले आप संबोधन उनका जो होता है वो करेंगे, महोदय। अब कोई लाइन आपको नहीं छोड़ना है, महोदय कॉमा। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दोगे, सविनय निवेदन यह है। लेटर 2 से 3 पैराग्राफ में एकदम सिंपल सेंटेंस में जाना चाहिए, सरल भाषा में जाना चाहिए, जो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। सविनय निवेदन यह है कि मैं और मांझी का रहने वाला हूँ, अभी कुछ महीने बाद मेरी बोर्ड परीक्षा है, कुछ महीने बाद मेरी बोर्ड परीक्षा है, लेकिन
आजकल बहुत अधिक बिजली कट रही है, जिसके कारण मुझे और अन्य विद्यार्थियों को भी पढ़ने में कठिनाई आ रही है। सेकंड पैराग्राफ फिर यहाँ से लिखोगे, जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड पैराग्राफ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या का निदान जल्द से जल्द करें। चाहो तो थर्ड पैराग्राफ लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए मैं सदा आपका या आपकी, आपका ऑब्लिक या आपकी आभारी रहूँगा। बॉयज़ है तो, गर्ल्स है तो रहूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेज कम हो गया तो हम पीछे वाला में बता देते हैं आपको। इसके स धन्यवाद, ठीक है, स धन्यवाद हो गया, ये नहीं, स धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर आप अगर बॉयज़ हो तो भवदीय, अगर गर्ल्स हो तो भवदीया, ठीक है, और अपना नाम, अपना नाम यहाँ लिखोगे, दैट्स ऑल, फिनिश, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, अपना पता, डेट, जिसके पास आप लिख रहे हो उसका पूरा एड्रेस, महोदय, यहाँ तीन पैराग्राफ आप कर दोगे, अपना परिचय दे दोगे छोटा सा फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में अपनी समस्या को बता दोगे, थर्ड पैराग्राफ में आप अनुरोध कर दोगे कि उस समस्या का निदान करें, उसके बाद आप उनको धन्यवाद लिखोगे, अगर गर्ल्स हो तो भवदिया और बॉयज़ है तो भवदिया लिख के अपना नाम लिखोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा औपचारिक पत्र हो गया, और औपचारिक पत्र के बाद ये पत्र, ये जो आपको दिख रहा है वीडियो में ही, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नगर निगम के एक के सड़क निर्माण विभाग को पत्र लिखकर बताइए कि एक माह यानी एक मंथ पहले, आफ्टर वन मंथ, उनके कर्मचारियों ने आपकी कॉलोनी की सड़कें ठीक करने के लिए खोदी थी, पर जो सड़कें उन्होंने खोदी थी अभी भी उसी तरह से है, खुदी हुई है, गड्ढा बना ही हुआ है और उसे उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो वो बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, इसलिए उससे आप अनुरोध करेंगे, किससे, नगर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखिएगा। यहाँ किसको लिखना है, नगर निगम के अध्यक्ष को आपको पत्र लिख के उससे अनुरोध करना है कि आप उस सड़क को ठीक करा दें। ये पत्र आप देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, और भाववाचक, ठीक है, आपके ग्रामर बुक में भाववाचक है, भाववाचक आपको अच्छे से पढ़ के और उसको लिखना भी है, क्योंकि ग्रामर में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ग्रामर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, सिर्फ आपको उसका प्रारूप पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है। थैंक यू।